सरोजी आपका एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। जी थैंक यू सर। आप जो एक सरपंच बने और इस सरपंच बनने के पीछे किसका हाथ है? जी सर, सरपंच बनने के पीछे मेरे पापा जी और मेरे दादाजी का सपोर्ट है और मेरे सारे ग्रामवासियों का सपोर्ट है। कुमारी सरोज जी, आप राजनीति में आए हैं और सभी परिवार का एक ये रहता है कि मेरी बच्ची आईएएस आईपीएस बने, और एक आप ही राजनीति में आए और पूरे उस क्षेत्र का आप ये नेतृत्व कर रही हैं, तो आपको आईएएस आईपीएस बनना अच्छा लगता था या आज सरपंच हैं तो आपको ये अच्छा लग रहा है? सर एक्चुअली मैं पहले जब बीएससी एमएससी में थी तो मेरा ये था कि मैं आउट ऑफ इंडिया जा करके पीएचडी करूँगी आगे और रिसर्च करूँगी साइंस के फील्ड में, लेकिन उस दरमियान चुनाव हुए और क्योंकि श्रीमती राजे जी ने ये 8वीं पास का कर दिया और महिलाओं को 50% का आरक्षण दे दिया तो मुझे सरपंच बनने का मौका मिला। उसके बाद मैं जब मैं अपने गांव रही, जब गांव के विकास से मैं जुड़ी तो उसमें जो मुझे खुशी महसूस हुई, मुझे लगा कि यहां पर वास्तव में विकास करने का जो ज़रूरत है, तो जो चीज़ मैं आईएएस आईपीएस बन के कर सकती थी उसको काफ़ी कुछ मैंने सरपंच बनने कर भी करने की कोशिश की है सर। तो आप जब क्षेत्र के अंदर जाती हैं तो क्षेत्र के अंदर भिन्न भिन्न तरीके की बातें होती हैं, तो जब आप क्षेत्र के अंदर जाती हैं तो आपको वहाँ की आवाम का, वहाँ की जनता का आपका कैसा सहयोग मिलता है? सर मेरी जो ग्राम पंचायत है वहाँ का मुझे पूरी तरह से सपोर्ट है, वहाँ के जो लोगों का क्योंकि उनको सर रोज़गार जो मैंने अवेलेबल कराया उनको, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि वहाँ पर पानी की दिक्कत थी तो उसके लिए मैंने जो एनीकट निर्माण कराया, चलने के लिए सर मैंने एक एक खेत को एक एक घर को मैंने सर रोड से जोड़ दिया, जैसे मुझे लगा हॉस्पिटल के लिए यहाँ पर कमी है, अपना सिटी बहुत दूर है, तो मैंने अपना ग्राम सभा बुला करके सर लोगों को जागरूक करके प्रेरित करके 30 लाख का उसमें डोनेशन दिलवा के सर जो भी आधुनिक जो भी मशीनरी थी वो मेरे गांव में मैंने करवाई और आसपास के गांव के लोग भी मेरे गांव में आने लगे। मैंने पढ़ाई के लिए जो मोटिवेट किया सर, जो बच्चे स्कूल छोड़ के भी जा चुकी थी उनको मैंने फिर से एडमिशन दिलाया वापस से स्कूलों में, तो धीरे धीरे जो लोगों में सर इतनी जागरूकता बढ़ गई है कि वो बाकी बच्चियों को भी मुझे अपना एक आइडियल मान करके बाकी बच्चियाँ भी मोटिवेट हो रही है सर और सबके परिवार वाले सबको प्रेरित कर रहे हैं। तो आपने जब ये सरपंच बनी थी तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था? सर मुझे बहुत ज़्यादा तो दिक्कत नहीं आई सरपंच बनने के दौरान, तो क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड वो सरपंच से रहा है, लेकिन बैकग्राउंड आपका सरपंच परिवार से रहा है? हाँ सर, हाँ। इससे पहले मेरे दादाजी थे वो सरपंच थे। आपको जो मिली वो दादा की विरासत मिली है? जी सर हाँ, ये मुझे एक अपने विरासत में मिला है, तो उस वक्त दादाजी ने काम अच्छा करवाया था उस वक्त भी, तो मुझे लोगों का पूरा सपोर्ट था, पर कहीं ना कहीं सर रूढ़िवादिता महिलाओं में तो होती है कि इतनी बड़ी हो गई है और अभी इसको कुछ और करना चाहिए तो इसको राजनीति में इसके परिवार वाले धकेल रहे, तो वो जो था मैंने उसको पूरी तरह से सर ख़त्म करने की कोशिश की। अब वहाँ की महिलाएं मेरी ज़्यादा सपोर्टिव है सर। आपने एमएससी बॉटनी से की है? जी सर मैंने बॉटनी से की। बॉटनी से और एक राजनीति का जो एक बीच का जो एक आंकड़ा है, बॉटनी कहाँ और राजनीति कहाँ, तो आप कैसा महसूस करती हैं? हाँ सर वो बहुत डिस्टेंस तो मुझे शुरू में तो कुछ अलग सा लगा, लेकिन अब है कि मुझे सब जुड़ाव सा हो गया राजनीति से भी। तो आपके भविष्य में क्या इस तरीके की आप राजनीति ही करेंगे या मतलब और कोई फील्ड चुनेंगे आप? सर मेरा तो अभी ये कि मुझे मौका मिले तो मैं हम आगे सर राजनीति में ही जाना चाहूँगी। अगर मौका मिला तो मुख्यमंत्री की भी दावेदार रहेंगे आप? सर मेरी बहुत इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद तक भी पहुँचूँ। तो मतलब आपके जो जनता की वो एक सोच है, जो आप एक परिवार के अंदर जैसे माँ बाप होते हैं और वो कहते हैं तू सारे दिन इसी काम में लगी रहती है, तेरे को झाड़ू कर लगाना है, पोछा लगाना है, और अलग हटके जो माँ बाप की एक थिंकिंग होती है तो वो आप कैसा महसूस करती हैं? सर मेरे माँ बाप की ऐसी कभी भी सोच नहीं रही है सर। मैं नहीं, आप ये माइक के सामने ऐसे बोल रही है या मतलब नहीं सर, मैं अपना बैकग्राउंड बता दूँ कि पहले मैं नवोदय स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं 7 साल बचपन से वहीं रही, उसके बाद में मुझे माँ बाप से अलग ही रही, तो उसके बाद में मुझे बाहर ही घर से बाहर जोधपुरी जैसे मेरे माँ बाप ने पढ़ने के लिए रहा, तो झाड़ू पोछे की तो मैंने कभी वो देखा ही नहीं है, खाना वाना पकाना ये सब मैंने कभी सर सीखा ही नहीं है, और जहाँ तक मेरा बॉटनी बैकग्राउंड की सर जो बात है तो वो भी मैंने राजनीति से, हाँ सर, तो उसको भी मैंने राजनीति से जोड़ करके सर जब मैंने जो पानी के लिए एनीकट बनवाया तो सर अनार की जो खेती है उसको जो मैंने लोगों के लिए जागरूक किया, तो सर मेरे गाँव में सर बाड़मेर के एक गाँव में सर अनार की इतनी अच्छी पैदावार हो रही है, तो मुझे लगता है कि आप कुछ भी सीखते
है तो वो आपका हर कहीं ना कहीं काम ही आता है, तो मेरी बॉटनी भी सीखी हुई राजनीति में भी काम ही आ रही है सर। तो आप अपने युवाओं से, महिलाओं से क्या अपील करना चाहती हैं? मतलब किसी भी फील्ड के अंदर आपको मतलब एक निराश नहीं होना है, तो क्या अपील करना चाहती हैं? सर मैं बस सबसे यही अपील करना चाहूँगी कि आप हमेशा वो कार्य करें जो सही हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और जो भी करें पूरे दिल से करें, उसमें अपनी जान झोंक दे। जैसे मैंने अपने कार्य में सर अपनी पूरी जान झोंक दी है सर। दिन रात सर कभी भी मैं खाली नहीं बैठती हूँ, मैं क्लासेज लेने चली जाती हूँ, अपने साइट्स पे चली जाती हूँ। मतलब आपको इतना समय मिल जाता है कि वो स्टूडेंट को पढ़ाने भी चली जाती है? हाँ सर, मुझे सर मुझे जब भी समय मिलता है, मैं 12th तक की साइंस आर्ट्स सब क्लासेज को सभी स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा देती हूँ सर। तो उसमें क्या क्या पढ़ाती हैं आप सब्जेक्ट? सर मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा देती हूँ सर। 12th तक मैं जाकर के बच्चों से पूछती हूँ कि आप लोग क्या पढ़ना पसंद करेंगे, तो क्योंकि सर मैंने RS की कोचिंग भी कर रखी, तो मेरे सारे सब्जेक्ट मेरे बहुत ही अच्छे है 12th तक, तो मैं सारा पढ़ा देती हूँ जो बच्चों को समझना होता है मुझसे। और बच्चों के भी सर मैं फेवरेट टीचर हूँ मेरे गांव में, तो मुझे बुला बुला करके, मैं जैसे ही स्कूल में किसी भी स्कूल में एंटर होती हूँ, मुझे बुला बुला करके लेके जाते कि मैम आओ हमारी क्लास लो। कभी कभार ऐसा भी लगता है कि जहाँ आप अधिकारियों के बीच में अपनी वो समस्या का समाधान कराने के लिए बैठी होती हैं, कभी कभार एक मन में ये आता है वो मेरे साथ के बच्चे को कैसे खेल रहे हैं, मेरे साथ के बच्चे किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कुछ लगता है? सर ये तो होता ही है कि अब इतना ज़्यादा बच्चों के साथ आप ज़्यादा पड़ गया। हाँ सर, तो वो एक अटैचमेंट सा भी मेरे हो गया है, और माइंड सर हर चीज़ की तरफ मेरा रहता है। बहुत अच्छी बात है, कुमारी सरोज ने जो अभी अपनी प्रतिभा को गिनाया, और बाकी में मैं इनके SM न्यूज़ की तरफ से इनको सलूट करता हूँ कि इतनी कम उम्र के अंदर सरपंच बनी, और उनका ख्वाब है, और खुद अपने मुखार इनसे कह रही है अगर मुझे मौका मिला है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक का, तो मैं वहाँ तक जाकर समाज की सेवा करूँगी और देश की सेवा करूँगी। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल।